तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं रेगिस्तानी जहाज पे बैठे हैं। ये रेगिस्तान का जहाज है जिसको कि अंग्रेजी में कैमल हिंदी में ऊंट कहते हैं। थोड़ा सा मैं तकनीक ना थूक लूँ तो और क्लियरली आपको समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों फिर से स्वागत, फिर से नमस्कार। रेगिस्तान का जहाज ऊंट पे बैठे हैं। मेरा नाम है मुकुल गुप्ता, मेरे साथ मेरी धर्म वाली पत्नी प्राची गुप्ता बैठी है, साथ में धर्म पुत्र यानी सानी देवल, बॉबी देवल से आप मत क्लिक कर लीजिएगा, ये मेरा पुत्र नमन गुप्ता बैठा है जो कि थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सा मायूस है, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ बैठा हुआ है। और ये थार रेगिस्तान में सूरज का उदय नहीं सनराइज होने वाला है। तो दोस्तों अय्या वाली आवाज, अगर आप जम्मू जाएंगे माता रानी के दर्शन करने और अगर आपने घोड़ा ले लिया तो अय्या की जगह दय्या वाली आवाज निकलेगी। हम लोग रेगिस्तान में हैं इसलिए अय्या वाली आवाज निकाल रहे हैं, अगर आप लोग जम्मू जाएंगे तो आपकी दय्या वाली आवाज निकलेगी। तो चलिए आपको बाकी चीज शुरू बड़ू कराते हैं। वो देखिए ये आगे वाला जहाज में थोड़ा डरपोक, थोड़ा नर्वस और थोड़ा बड़ा, जिस लड़के का नाम है काव्य गुप्ता, पुराना नाम है कुक्कू गुप्ता। ए परी परी थोड़ा साइड हो जाओ, सीधी बैठो, ऊंट पसंद आ गया तो तुम लोग की जिम्मेदारी। दोनों को साथ में क्यों बैठाया, एक उधर बैठता है एक उधर बैठती है, सीधी नहीं बैठ रही है, मैं आप में दोनों बड़ी से पकड़ के बैठो ऊंट को। हाँ तो दोस्तों फिर से स्वागत, अबे धीमे धीमे चल, बाकी लोगों को तो आ जाने दे यार, इसे हटाओ यार।